गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हिंदी क्लास में आपका वेलकम है। बच्चों हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल राइट। ओके बच्चों, बच्चों आज मैं आपको हिंदी क्लास में आओ पेड़ लगाए पाठ पढ़ाऊंगी। आओ पेड़ लगाए पाठ आपका 60 पेज पर है बच्चों। ओपन पेज नंबर 60। बच्चों आपको पेड़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, पर मैं इस लेसन के द्वारा आपको पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें बताऊंगी। ओके बच्चों, बच्चों पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर पेड़ ना होते तो हम लोग जीवित ना होते, और पेड़ों के द्वारा हमें शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ हमें फल फूल लकड़ियाँ और छाया देते हैं। ओके बच्चों, आप देखो बच्चों इस पेज पर 60 पेज आओ पेड़ लगाएं, ये चैप्टर खोलेंगे आप। ओके बच्चों, और इसमें देखेंगे आप, हम पढ़ेंगे और आप उंगली रखकर देखिए। दादाजी अपने घर के सामने पार्क में पौधा लगा रहे थे। उसी पार्क में कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक दादाजी हैं जो पार्क में पौधा लगा रहे हैं, अपने घर के सामने पार्क में बच्चों पौधा लगा रहे हैं। उसी पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। उनकी नज़र दादाजी पर पड़ी। वे बोले, अरे चलो देखें दादाजी क्या कर रहे हैं। हाँ, और बच्चे वहाँ पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, और जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने दादाजी को देखा। दादाजी के पास दौड़ कर आए और बोले कि चलो देखें दादाजी क्या कर रहे हैं आपस में। बच्चे उनके पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा, दादाजी आप किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हैं? और बच्चे सब बच्चे उनके पास आ गए और पूछने लगे कि दादाजी आप किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। दादाजी ने बताया कि वे अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं। और फिर दादाजी के पास जब बच्चे आए और उन्होंने पूछा, तो दादाजी ने कहा कि हम अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। हाँ, और बच्चों को अच्छा लगा कि दादाजी पेड़ लगा रहे हैं, और बच्चे बहुत खुश हुए, ठीक है। और उनमें से एक बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप हमें बताइए कि इन पेड़ों के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके बच्चों, तब उसमें बहुत सारे बच्चे थे जो थोड़े, और उन्होंने पूछा कि दादाजी आप हमें बताइए कि पेड़ों के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत मतलब आवश्यकता। ओके बच्चों, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? दादाजी बोले, बेटा पेड़ों के लिए मिट्टी धूप हवा और पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों दादाजी ने सब बच्चों को समझाया वहाँ पर कि हमें जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों के लिए मिट्टी धूप हवा और पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो हमारे पेड़ की जड़ टिकेगी नहीं बच्चों। हाँ, और धूप और हवा नहीं मिलेगी तो पेड़ बढ़ेंगे नहीं, और पानी डालने से पेड़ हरे हो रहते हैं, उनको जीवन मिलता है। हाँ, इस तरीके से दादाजी ने मिट्टी धूप हवा और पानी पेड़ों की ज़रूरत बताया। फिर दादाजी ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा? फिर दादाजी ने बच्चों से क्वेश्चन किया, और बच्चों से पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा बच्चों? बच्चों ये क्वेश्चन पूछा दादाजी ने कि इस पेड़ से क्या मिलेगा। बच्चे तुरंत बोल पड़े, अमरूद। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में दादाजी से पूछ लिया था ना कि दादाजी आप किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हैं, तो दादाजी ने उनको बताया था ना, इसलिए उनको मालूम था कि दादाजी ने अमरूद का पेड़ लगाया, इसलिए अमरूद के पेड़ से अमरूद के फल आएंगे। हाँ, तो इसलिए बच्चे जल्दी से बोल पड़े, अमरूद। हाँ, अमरूद के अलावा और क्या मिलेगा? फिर बच्चों, फिर दादाजी ने उनसे पूछा कि अमरूद के अलावा और क्या मिलेगा बच्चों? बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाँ, और फिर बच्चे आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दादाजी ने उन्हें बताया, बच्चों
पेड़ हमें फल फूल के अलावा छाया व स्वच्छ हवा भी देते हैं। फिर जब वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई आंसर नहीं दे पाए बच्चों, तो दादाजी ने उन्हें खुद ही बता दिया कि बच्चों पेड़ जो हैं हमें फल फूल, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों आपको कि पेड़ हमें फल फूल हवा छाया लकड़ियाँ ये सब देते हैं, वही आंसर दादाजी ने भी बच्चों को दिया कि हमें पेड़ों से फल फूल हाँ छाया और स्वच्छ हवा हमें पेड़ देते हैं। ओके बच्चों, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ पानी बरसाने में भी सहायक होते हैं। जहाँ पर बच्चों पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे खूब बारिश होती है, खूब अच्छी बारिश होती है बच्चों, और पेड़ हमारे पानी बरसाने में भी हमारे मददगार, सहायक मतलब मददगार। ओके बच्चों, और स्वच्छ मतलब साफ, तो इस तरीके से हमें पानी बरसाने में पेड़ हमारे सहायक मददगार सिद्ध होते हैं। इनकी शाखाओं पर पक्षी रहते हैं, और इनकी शाखाओं पर इनकी ब्रांचेस जो होती हैं उस पर कौन बैठते हैं, हाँ चिड़िया लोग पक्षी लोग आकर वहाँ पे बैठते हैं। बच्चों ने सारी बातें ध्यान से सुनी और बोले, दादाजी पेड़ हमारे लिए इतने उपयोगी हैं। और बच्चों जो दादाजी के पास बच्चे खड़े थे उन्होंने सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने कहा, दादाजी हमारे लिए पेड़ इतने उपयोगी हैं, हमारे जीवन में पेड़ का इतना महत्व है, हाँ उन्होंने ये बोला, तो हम सब भी पेड़ लगाएंगे, उपयोगी मतलब काम में आने वाले, हाँ। और तब उन बच्चों ने क्या कहा कि हम भी पेड़ लगाएंगे, और बच्चे दादाजी की बात बहुत ध्यान से सुनकर उन्होंने पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें सीखी। ओके बच्चों, तो हमें भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम भी एक पेड़ तो कम से कम 1 ईयर में लगाएं, हाँ। और पेड़ पौधे बच्चों हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसीलिए हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। ओके बच्चों, तो हम समझते हैं बच्चों कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आपका लिटरेचर का लास्ट लेसन है। और बच्चों मैं PDF में आपका हापेडी का कोर्स भी भेज दूँगी, ग्रुप में भी भेज दूँगी, और हापेडी का जो कोर्स है आपका, कुछ पेरेंट्स हमसे कह रहे थे मैम हापेडी का कोर्स हमें दे दीजिए, तो पहले बच्चों मैंने हापेडी का कोर्स लिखवाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको PDF भेज रही हूँ, आप उसमें से देख लीजिएगा हापेडी का कोर्स पूरा फुल, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।